बरखा जी बोल रही है, उसके बाद आप बोलिए। बरखा जी का जवाब दे, आपको बोलने भी नहीं देते आप लोग, तो कैसे बात चलेगा। आपको मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ब्रिजभूषण को, जिसका आप नाम ले रहे हैं, साफ नाम लीजिए ना, ब्रिजभूषण बोलिए, तो उसका केस कोर्ट में चल रहा है। अभी आप संविधान की दुहाई दे रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे, आपको संविधान पे हटा ली, आपको पता है नहीं पता, आपको पता है नहीं पता। एक सेकंड में बोल रहे हैं हाजी जी, आप मिला क्या बताइए, वो जेल गया क्या हाजी साहब? इससे ना एक ही संदेश जा रहा है कि आप महिलाओं को इस तरह से बोलने नहीं देते, और ये बहुत खराब संदेश है। तो बड़ी बहन है तो बोलने नहीं देंगे? बड़ी बहन है तो अधिकार नहीं देंगे? अधिकार है, क्योंकि महिलाओं का अधिकार ही छीनना हमें, बड़ी बहन का भी छीनेंगे। एक बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए, राधिका बोलिए बोलिए, बरखा जी पहले आप। कह रही हूँ कि कोर्ट में केस चल रहा है, आप कोर्ट की लगातार दुहाइयां देते रहते हो, संविधान संविधान संविधान, तो संविधान कोर्ट डिसाइड करेगा ना। अभी आपने राम रहीम का भी बोला था, तो पेरोल कोर्ट ने दिया था ना, कि बीजेपी कांग्रेस आप किसी ने दिया था, गवर्नमेंट तय करती है, पेरोल मिलती है ना, स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। मैम आपको पता नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ लिख कर आइए। आप अदालत क्या पूछती है, किससे पूछती है अदालत बताए, क्या आपको हम पैरवल दे रहे हैं? सरकार से पूछती है, और अच्छा सरकार डिसाइड करती है। मैं आपको रेगुलर डेट बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए अच्छा सुनिए, केस के क्रेडिट्स होते हैं। हाजी साहब आप किसकी बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, सुनिए। 20 जुलाई को 30 दिन की पैरवल मिलती है, 21 नवंबर को 21 दिन रुद्र जी से पूछ लेती हूं, रुद्र जी आपके बगल में 50 दिन की पैरवल मिलती है, 21 दिन की। मैं लगातार हो क्या रहा है हाजी साहब, एक चीज मैं कहूंगी, सरकार वहां बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, अयोध्या के नाम मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ, आप इसे इंटरव्यू नहीं कर रही, अयोध्या तो बुलवाइए, आप भी पूछ नहीं रहे। सौरभ जी क्या हो रहा है, सौरभ जी आप लोग, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ हाजी साहब, बहुत सारे मेहमान हैं, सब बात सुनते हैं, एक डिमार्केशन मत बनाइए, एक ऐसे मेहमान की तरफ मत उभर कर आइए जो बात नहीं सुनता है। नहीं आप हर किसी को टोक रहे हैं और बीच में बोल रहे हैं, मैं बार बार ये बोलना पसंद नहीं करती हूँ, और ये किसी भी मेहमान को नहीं बोलने देती। आप अगर नहीं बोले हैं, अगर नहीं बोल रहे तो जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वो प्लीज देखें शो को, रिपीट मोड में देखें, यूट्यूब पे जाकर देखें, और जरा बताएं कि हाजी साहब के डिबेट में नहीं बोल रहे थे, उनको जवाब खुद मिल जाएगा, और आपको भी, आप भी देख लीजिएगा। मैं रुद्र जी आपसे पूछ लेती हूँ, रुद्र जी बताइए, वो कह रहे हैं कि ये जो पेरोल का मामला राम रहीम के पीछे पड़ गए, वो कह रहे हैं वही वाला बताओ, क्योंकि बीजेपी ने उनको पेरोल दिया, ये पेरोल का क्या मतलब है, ये जल्दी से पेरोल का, मैं क्या बीजेपी उन्हें जाने दे रही है बार-बार पेरोल पे, जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं डीजीपी सर के पास जाऊं। कोई भी पेरोल का मामला कोर्ट का प्रेरोगेटिव होता है, कोई अगर कोई भी जेल में बंद है वो कोर्ट में लगाता है अपने पेरोल के लिए, ठीक है, सिर्फ वहाँ के जो जेल प्रशासन होता है उससे ये पूछा जाता है कि इनका व्यवहार जेल में कैसा रहा है, वो सिर्फ वो अपना जवाब देता है जेल प्रशासन, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है और पैरोल देती है, तो इसमें कोई कोई अरे जो जेल प्रशासन, बस आप कह दीजिए, जेल साहब आप कहिए, जेल आप कहिए, स्टेट गवर्नमेंट सरकार को फटकार लगाई है, तब तक स्टेट गवर्नमेंट ना चाहे सुचारिता जी, तब तक आप किसी को एक दिन की पैरोल नहीं मिल सकती। मैं ये मैं लिखित में दे रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ अगर मेरी बात गलत है तो मेरे को चैलेंज करिए, आपको टेक्निकल बात समझ में, वो वकील है वो बता रहे हैं, अरे मैडम मैं वकील भी हूँ, आप वकील भी हैं, ये भी पहचान बन गया, ये वकील भी बन गया। अब मैं बताने लगूं आगे मेरे पास क्या क्या डिग्री है, तो वो राम रहीम जाएगा, मैं स्पोक पर्सन हूं, मैं उसको चंद्रमोहन जी रिएक्ट करना चाह रहे थे, मैं एक बार चंद्रमोहन जी आपके पास आ रही हूँ, और जरा आप राधिका जी को जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन बड़ा क्लियर है, एक क्लियर मैसेजिंग क्या जनता की तरफ से जा रही है। मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछती हूँ क्योंकि इसमें बीजेपी कांग्रेस बनकर मत देखिएगा, मैं लोगों के बीच से क्या संदेश है, जब हम लोग बीच में गए लोगों के, और खासकर कोलकाता रेप के बाद जो रिपोर्टिंग हो रही है, लोगों ने खुलकर कहा है कि भाई यही वाला इलाज चाहिए, क्यों नहीं कैपिटल पनिशमेंट ले आया। और ये बात राधिका जी से मैं पूछूंगी क्योंकि इतने साल से उनकी सरकार है, कैपिटल पनिशमेंट की मांग बार बार उठती रही है, बरखा जी जानती है निर्भया के मामले से तब से ये मांग। राधिका जी का जवाब देता हूं, मैं राधिका जी को संबोधन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, कुछ लोग जो कहीं दूसरी ओर थे इसी जगह के ऊपर, तब इसी मुद्दे की पैरवी करते थे जैसे मैं आज पैरवी कर रहा हूं, ठीक है, और आज वो किसी और जगह जाने के बाद उस बात की पैरवी कर रहे हैं, ये राजनीति है, और इसी राजनीति की शुरुआत किसने करी, जिस दल के पास वो चले गए। प्रश्न क्या खड़ा होता है कि देश के अंदर अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है और बलात्कार हो रहा है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका साहस दिखाना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं, 8 बजे का समय कहां गया, वो जो 8 बजे नोटबंदी हुई थी, जो 8 बजे जीएसटी हुई थी, जो एक 8 बजे का टेरर पैदा करा था, वो शोर का है क्या?
मणिपुर के अंदर नग्न अवस्था में घुमाई गई, वो सोने गए हुए थे क्या? जब पहलवान जनता के ऊपर जंतर मंतर पे बैठी रही तो क्या वो सोने गए हुए थे क्या? ब्रिज मोशन के कांड के ऊपर क्या वो सोने गए हुए थे? सेंगर के कांड के ऊपर सोने गए हुए थे? उत्तराखंड के कांड के ऊपर सोने गए थे? जागे कब? जब बंगाल का कांड होगा। जागे कब? जब कोई भी विपक्षी पार्टी होगा। ये नैरेटिव देश की जनता को नहीं चाहिए, इसके लिए हर दल हर नेता साथ होगा, जो नहीं होगा वो समाज से और लोगों से दुत्कारा जाएगा, दोबारा बोलने लायक नहीं होगा, क्योंकि माँ बेटी और बहन का दायित्व है। ये दायित्व हमें निभाना पड़ेगा और इसका दायित्व सबसे ज्यादा उस सरकार पे है जो इस समय सत्ता पे है, वो अपनी पारदर्शिता दिखाए। और राधिका जी आप ज्यादा, क्योंकि आप मेरी जगह खड़ी थी कल, आप इसी तरह से बोल रही थी मेरे लेवल में, और आज आप वहां जाके इस चीज को बात कर रहे हैं, तो वहां जाके हाथ जोड़ के निवेदन करिए कि आज मैं यहाँ हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो सत्य है और इसके ऊपर कार्रवाई करिए। ये कह के नहीं कि आसाम वाला करे तो अच्छा, और उत्तर प्रदेश में हो और एक वर्ग पे हो तो वो ऐसा लग रहा है कि इस रेप के मामले और बलात्कारियों को सजा क्या दी जाए, ये वाला इलाज सही है कि नहीं, इस पर बोलने से ज्यादा आप इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि राधिका जी पहले कहाँ खड़ी थी और अब कहाँ। मैंने ऐसा नहीं कहा, तो उसको भूल जाइए ना। ये करा कि एक प्रवक्ता बन जाए तो उसकी वाणी कैसे बदल सकती है? ऐसा मुझे, अगर प्रवक्ता है तो प्रवक्ता की हैसियत से प्रवक्ता बने, एक बार जवाब दे दूं, नुमाइंदा ना बने। जवाब दीजिए, ठीक है, आप जवाब दीजिए जल्दी से। मैंने नाम भी नहीं लिया। मुझे लगता है ये लोग जो यहाँ पे खड़े होके आज प्रिटेंड कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, महिलाओं के हक के लिए आज जवाब यहाँ पे आके बोल रहे हैं, इनको उठा के देख लेना चाहिए। राधिका खेड़ा सर्च कर लीजिए। और मैं हमेशा से यही बोलते आ रही हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और बख्शा नहीं जाना चाहिए। मेरा स्टैंड बलात्कार के खिलाफ एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। मैं वो कांग्रेस पार्टी में अब नहीं हूँ जो एक समय पे शिवसेना को गाली देती थी, एक समय पे अखिलेश यादव को गाली देती थी और आज उनके साथ ताल से ताल मिला के चल रही है। आप लोग जिस तरीके से उन लोगों के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ है जो राजीव गांधी का भारत रत्न लेने वाले थे, तो स्टैंड पे बात मत करिए। बोल दिया तो फिर आप कहेंगे बैंस ने मेरे पे टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे मुद्दा, लेकिन आपको नहीं, मैं भाजपा पे टारगेट कर रहा हूँ। आप भाजपा बोल रही है ना, आपकी वजह से ही आज महिलाओं का ये हाल हो रहा है, क्योंकि जब न्याय की बात आती है, महिला सुरक्षा की बात आती है, आप लोग उस चीज को लेफ्ट राइट ले जाते हैं और हम महिलाओं पर ही सवाल उठाते हैं। मैं डीजीपी सर के पास जाऊंगी, एक बार उनको स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। सोच बदलने की जरूरत है कि क्यों जब महिला सुरक्षा पे बात हो रही है तो ये पर्सनल मेरे पे आएंगे। बात करिए ना, क्यों भूपिंदर सिंह हुड्डा इस बात के साथ दे रहे थे कि राम रहीम को सही दी गई है पैरोल, तब आपके मुंह में दही जम जाएगी। क्यों कथुआ रेपिस्ट को आप लोगों ने, कथुआ रेपिस्ट के लिए जिसने तिरंगा यात्रा निकाली उसको क्यों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने टिकट दी, उस पर भी बात करिए। किस तरीके से आप पूरा पहलवानों के किस्से के साथ राजनीतिकरण कर रहे हैं, किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा वहां पहुंचने, पूरा मुरादाबाद की तस्वीरें मैं जरा दिखाना चाहती हूं। आप लोग किस तरीके से गिद बन गए हैं राजनीतिक, और ममता बनर्जी का नाम लेने से वही राहुल गांधी डरा बैठा है। अब मैं जरा तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ। एक बार डीजीपी सर मैं आपके पास आऊँ, उससे पहले एक तस्वीर दिखा रही हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, एक महिला नर्स के साथ दुष्कर्म के बाद मुरादाबाद में क्या हुआ है, वो तस्वीरें जरा दिखाइए चेतन। वो तस्वीरें क्या है, वहां पर जो आरोपी के पिता है वो मदरसा चलाते हैं, उस मदरसे को जाकर सील कर दिया गया। ये देखिए, पहला मदरसा फिर दूसरा मदरसा, ये सील हुआ है और ये मदरसों पर ताला लगाया गया, पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और ये एक संदेश देने की कोशिश है। वहां पर जरा तस्वीर दिखाइए, जो लोग वहां पहुंचे थे, पुलिस कर्मियों ने वहां पर जाकर मदरसा सील किया क्योंकि ये अवैध जमीन पर बना हुआ था। अब होता क्या है ऐसे मामलों में, वो भी आपको बताती हूं। ऐसे मामलों में जो हो रहा है डीजीपी सर, ये नहीं है कि व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया उसको एक संदेश देने के लिए क्या किया है। अब वहां पर फाइलें खुली और फाइलें खुलने के बाद जिस तरह से जो लूप होल्स मिले हैं उसके तहत ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये बुलडोजर वाली कार्रवाई का इससे क्या लिंक है, ये कैसे जुड़ते हैं।